हेलो बच्चों, कैसे हो? तुम सबको मेरे साथ प्रोटेस्ट में चलना पड़ेगा। मोमो खाता हूँ चटनी लगा के। मैं तुम सब बच्चों को मोमोज भी खिलाऊंगा प्रोटेस्ट के बाद। अरे सर, हम आपके साथ प्रोटेस्ट पे चलेंगे तो सही, लेकिन आप किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हो सर, ये तो बताओ हमें। अरे बच्चों, स्कूल के पास में ही एक ग्राउंड के अंदर जितने भी ट्रीज लगे हैं उसे काट कर प्लेग्राउंड बनाया जा रहा है, तो हम लोग उन ट्रीज को कट होने नहीं देंगे। अरे सर, अच्छा ही तो है, सारे ट्रीज कट जाएंगे तो एक बहुत ही प्यारा सा ग्राउंड बन जाएगा, फिर हम वहाँ पर मजे से क्रिकेट खेल सकते हैं दिन रात। तो आपके प्रोटेस्ट में हम लोग तो साथ नहीं देने वाले। अरे चीकू, क्या तुमने क्लास 8 का कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर नहीं पढ़ा? उसे पढ़ लो, तब तुम्हें ट्रीज की इम्पोर्टेंट पता चलेगी और एनिमल्स की भी। मन्नू भैया से पढ़ लो जरा उस चैप्टर को। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर के अंदर हमें पता चलेगा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। देखो, डीफॉरेस्टेशन क्या होता है? डीफॉरेस्टेशन के अंदर हम लोग फॉरेस्ट को कट कर देते हैं। अब फॉरेस्ट के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो उनसे हमें क्या मिलता है? प्लांट्स से हमें मिलती है ऑक्सीजन, फूड, वुड, इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें। ये तो छोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सोचो, अगर प्लांट्स वाईफाई देते तो क्या आप प्लांट्स को कट करते? कितनी बुरी बात है कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं जिससे कि हम जिंदा रह सकते हैं। प्लांट्स हमें खाने के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दे रहे हैं, क्या करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल ही तो दे रहे हैं। वाईफाई देते तब मज़ा आता, फ्री फायर खेल पाते हम लोग, इंस्टाग्राम चला पाते। तो यहाँ पर आप प्रॉब्लम समझ रहे हो कि लोग इम्पोर्टेंस भूल चुके हैं ट्रीज़ की और प्लांट्स की, इसी वजह से डीफॉरेस्टेशन होता जा रहा है। जितने भी फॉरेस्ट हैं वहाँ पर हम लोग उन फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं और उस फॉरेस्ट की ज़मीन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के लिए। आखिरकार डीफॉरेस्टेशन होता कैसे है? देखो, डीफॉरेस्टेशन होने की एक वजह तो हमने जानी कि हम ह्यूमन बींग्स ही डीफॉरेस्टेशन करते हैं, लेकिन और भी कुछ वजहें होती हैं, जैसे कुछ नेचुरल कॉजेज भी होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट फायर। जब कभी बहुत ज़्यादा हीट इंक्रीज हो जाती है किसी फॉरेस्ट के अंदर तो आग लग जाती है, और आग लगने की वजह से पूरा जंगल जल जाता है, तो उसकी वजह से भी फॉरेस्ट क्या हो जाता है, हमारा ख़त्म हो जाता है, डीफॉरेस्टेशन हो जाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा ड्राउट्स भी आ जाते हैं, सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ना कैसा दिखता है? ये देखो, कुछ इस तरीके का दिखता है सूखा पड़ना। चारों तरफ पानी होता ही नहीं है, तो बेचारे ट्रीज़ को तो पानी चाहिए होता है। अब जब वाटर ही नहीं होगा तो ट्रीज़ वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। मैन मेड कॉजेज भी होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं फॉरेस्ट को जाकर, क्योंकि वहाँ पर हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करनी है या एक बड़ी सी फैक्ट्री लगानी है उस जगह पर। दूसरा क्या, लैंड को हम लोग एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। और रैपिड अर्बनाइजेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखो, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है तो उसके रहने के लिए भी जगह चाहिए, सब लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए। अब ये रहने के लिए जगह कहाँ से आएगी, कहाँ पर बनेगी? तो फॉरेस्ट को कट करके लोगों के रहने की जगह बनाई जाती है। तो एक ये जो रैपिड अर्बनाइजेशन है, बड़ी बड़ी सिटीज़ बनाई जा रही हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स और घर बनाए जा रहे हैं, ये सब इन फॉरेस्ट को कट करके बनाए जाते हैं। प्रोक्योरमेंट ऑफ वुड फॉर फ्यूल एंड फर्नीचर। आपके घर पर जो फर्नीचर है वो कहाँ से बनता है? वुड से। आप देखते होगे अगर गांव वगैरह में जाते होगे कि लोग खाना किस कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ वुड। तो वुड लेने के लिए भी लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं और वहाँ के ट्रीज़ को कट कर लेते हैं, और उस वुड से या तो फ्यूल बनाते हैं, उसका मतलब कि खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर फर्नीचर बनाते हैं उस वुड से। तो अब आपको पता चला डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कॉजेज होते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर, जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे, इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है,
इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ, एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे, जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे डिफॉरेस्टेशन के अगर ऐसे ही डिफॉरेस्टेशन होता रहा, हम लोगों ने फिक्र नहीं करी और ऐसे ही पेड़ों को काटते रहे, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। जो ग्राउंड वाटर लेवल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे, जो पॉल्यूशन लेवल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फर्टिलिटी सॉइल की जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और रेनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा कम होने लगेगा। इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्राउट्स एंड फ्लड्स। ड्राउट्स क्या, या तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे सूखा पड़ने लगेगा या फिर ऐसे बाढ़ टाइप आने लगेगी। देखो चारों तरफ पानी ही पानी एक्सेस क्वांटिटी में आ जाएगा। तो डीफॉरेस्टेशन होने की वजह से ये सारी खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं। आई होप अब आपको क्लियर होगा। एक और चीज़ भी हो सकती है, वो होती है डेजर्टिफिकेशन। एक ऐसी लैंड जहाँ पर बहुत अच्छे से प्लांट्स, ट्रीज, ये सब ग्रो हो सकते थे, लेकिन हमने वहाँ पर गए और बहुत सारे जितने भी ट्रीज थे उन्हें कट कर दिया, तो वो लैंड कुछ समय के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एक डेजर्टिफाइड लैंड के अंदर। मतलब कि एक फर्टाइल लैंड किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, डेजर्ट के अंदर। डेजर्ट आप जानते हो, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई भी प्लांट और ट्री अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। तो आप देख रहे हो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं डीफॉरेस्टेशन के। अब पढ़ते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ है, कितने बच्चों को पता है कमेंट ज़रूर करना। एक जगह पर कितनी वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उसे ही हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। मान लो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर हम लोग कंपेयर करें किसी और कंट्री का, जैसे कि पोलर रीजन्स का जहाँ पर बहुत सर्दी रहती है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि बहुत ही कम एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत ही कम प्लांट्स देखने को मिलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो गया, स्पीशीज रिचनेस ऑफ द बायोस्फीयर। आई होप ये आपको क्लियर होगा एक जगह पर कितने एनिमल्स रहते हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं। इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। यहाँ पर जितने भी एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक तरीके से एक दूसरे के लिए रिसोर्स बन जाते हैं। सर कैसे एक दूसरे के लिए रिसोर्स बने? मान लो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो टाइगर्स हैं वो किसको खाते हैं, डियर को। डियर क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं। तो इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी की हेल्प से सारे एनिमल्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं और जिंदा रह पाते हैं। जो फॉरेस्ट है इसी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखता है और डेलिकेट बैलेंस बना के रखता है इन नेचर। एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। वो एनिमल्स जो कि फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं उन्हें हम लोग वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं। अच्छा, प्लांट्स जो होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं फ्लोरा, और एनिमल्स जो होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं फौना। जैसे आपने देखा होगा, आप कभी हिमाचल प्रदेश में गए होंगे तो वहाँ का जो फ्लोरा है, जैसे कि एप्पल ट्री हो गया, और क्या हो गया, एलमंड के जो हो गए आपका, जहाँ से एलमंड ग्रो करता है, एलमंड का प्लांट वो हो गया। तो वहाँ की फ्लोरा क्या है, आप बोल सकते हो कि एप्पल ट्री, एलमंड का प्लांट। और अगर मैं यहीं पर पूछूँ आपसे राजस्थान की फ्लोरा क्या है, तो राजस्थान में ज़्यादातर आपको क्या देखने को मिलते हैं, कैक्टस वगैरह, कांटे वाले पेड़। तो आप वो बोल सकते हो कि वहाँ की फ्लोरा क्या है, कैक्टस वाले प्लांट्स। नेक्स्ट एनिमल्स, अगर मैं बात करूं आपसे हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को देख सकते हो, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं आपसे बात करता हूं कहां की, डेजर्ट की, राजस्थान की, राजस्थान के अंदर कौन सा एनिमल हमें देखने को मिलता है ज़्यादा, कैमल देखने को मिलता है। क्या कैमल आपने कभी हिमाचल प्रदेश साइड में देखा है, जहाँ पर सर्दियाँ होती हैं वहाँ पर आपको कैमल देखने को नहीं मिलेगा। तो जो फ्लोरा और फौना है, मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के होते हैं। ठंडी जगह पर अलग तरीके के एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, गर्म जगहों पर अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। तो ये वहाँ के फ्लोरा और फौना कहलाते हैं।
क्लियर रखना। फ्लोरा किसे बोलते हैं? प्लांट्स को। फौना किसे बोलते हैं? एनिमल्स को। वो स्पीशीज प्लांट्स और एनिमल की जो कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। जैसे पर्टिकुलर किसी प्लांट या एनिमल की स्पीशी है जो सिर्फ उसी जगह पर पाई जाती है उसे बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। स्पीशीज क्या होती है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन जो कि कैपेबल होते हैं फॉर इंटर ब्रीडिंग। एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स। वो एनिमल्स जो कि धीरे धीरे करके कम होती जा रही है उनकी क्वांटिटी और ऐसा लग रहा है कि कुछ समय के अंदर वो एनिमल्स अर्थ से ख़त्म हो जाएंगे, उन एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स। इन एंडेंजर्ड एनिमल्स के अंदर टाइगर, लायन और एलिफेंट आया करते थे। सोचो, टाइगर, लायन और एलिफेंट अर्थ के ऊपर से गायब हो गए, कितना बुरा होगा। लेकिन जब गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में पता चला, हम जैसे नॉर्मल पब्लिक को पता चला, तो हमने क्या करा, गवर्नमेंट को बोला कि कुछ ना कुछ इसके खिलाफ एक्शन लो। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक तरीके से समझ लीजिए एक मिशन बनाया, एक स्कीम बनाई, जिसके अंदर लॉन्च करा गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर को, जिसके अंदर एंडेंजर्ड टाइगर्स को प्रोटेक्ट करा जाए और कोई भी टाइगर्स को मारेगा नहीं, उनका शिकार नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने जो है प्रोजेक्ट टाइगर की हेल्प से बहुत सारे टाइगर्स जो है उन्हें बचाया। फ्लोरा और फौना क्या चीज़ होती हैं? फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना व्हाट इज़ फ्लोरा एंड व्हाट इज़ फौना। देखते हैं कितने बच्चों को पता है। अब बात करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ की। प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन से एरियाज़ होते हैं? हमें ये तो पता चला है कि प्लांट्स और एनिमल्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, इसी वजह से गवर्नमेंट ने भी डिसाइड करा और कुछ रूल्स बनाए जिनके अंदर अलग अलग एरियाज़ को बनाया गया। सर ये एरियाज़ क्या हैं? कुछ हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़, ये वो वाले एरियाज़ हैं जिनको क्लियरली गवर्नमेंट ने बोला है कि इन वाले एरियाज़ के अंदर कोई हंटिंग नहीं कर सकता, एनिमल्स को मार नहीं सकता, ट्रीज़ कट नहीं कर सकता, प्लांट्स कट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए, इन एनिमल्स के रहने की जगह को सही सलामत रखने के लिए गवर्नमेंट ने बनाए हैं प्रोटेक्टेड एरियाज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करा जाता है फ्रॉम हंटिंग और यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को मज़े से रहने के लिए अच्छे खासी लिविंग कंडीशन दी जाती है कि मज़े से रहो, खाना पीना खाओ और जो भी तुम्हें करना है करो। अब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, इनमें से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि मेरी फेवरेट है, ठीक है। आप बताना कि आपकी कौन सी फेवरेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर मैं भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताने वाला हूँ कि मेरी कौन सी फेवरेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर नेशनल पार्क्स भी आते हैं। नेशनल पार्क्स भी रिजर्व्ड एरिया होते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, इनको मेंटेन करती है और प्रिजर्व करती है गवर्नमेंट। लेकिन नेशनल पार्क के अंदर एक खास बात होती है, यहाँ पर पब्लिक भी विजिट कर सकती है, तो आप भी जा सकते हो नेशनल पार्क के अंदर। एक नेशनल पार्क है जिसको मैंने गर्मियों की छुट्टी के अंदर देखा था, जो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बहुत ही मज़ेदार था, वहाँ पर बहुत सारे लायंस ऐसे ही मज़े से घूम रहे थे और उनको आप अपने सामने देख सकते हो। जू वाला लायन नहीं, जू में तो लायन केज के अंदर होता है, वहाँ तो लायन खुले में घूमते हैं नेशनल पार्क्स के अंदर। तो सतपुरा नेशनल पार्क जो है वो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है हमारी इंडिया का। तो आई होप अब आपको पता चला होगा कि नेशनल पार्क एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप भी विजिट कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है फ्रॉम हंटिंग और यहाँ पर इन्हें सूटेबल लिविंग कंडीशन दी जाती है। फिर आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर काफ़ी बड़ा एरिया होता है कंपेयर टू नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काफ़ी बड़ा एरिया होता है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल रिसोर्सेज मज़े से रहते हैं। मतलब वाइल्ड लाइफ हो गई, जितने भी एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, रिसोर्सेज हो गए, जैसे ट्रीज वगैरह हो गए, ये अच्छे से रह पाते हैं, इनको कोई कट वगैरह नहीं करता। साथ ही में यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स, मतलब कि आदिवासी लोग भी आपको देखने को मिलते हैं। अब आदिवासी वो लोग होते हैं जो कि जंगल के अंदर ही रहते हैं, एनिमल्स से उनकी दोस्ती हो रखी होती है, ठीक है, वो फ़ोन वगैरह नहीं चलाते, जंगल की लाइफ ही जीते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है हमारी इंडिया की एक जगह जहाँ पर आदिवासी रहते हैं,
साथ में हमारे एनिमल्स रहते हैं और प्लांट्स भी काफ़ी अच्छे से रहते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आएगा। बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी बड़ा होता है और यहाँ पर आदिवासी भी रहते हैं। नेशनल पार्क को आप लोग भी विजिट कर सकते हो, घूमने जा सकते हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी एनिमल्स प्रोटेक्टेड होते हैं फ्रॉम हंटिंग और इनको सूटेबल लिविंग कंडीशंस दी जाती है। अब हम पढ़ते हैं रेड डाटा बुक के बारे में। देखो, अभी तक हमने बात करा कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो ख़त्म होने वाले हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें पता कैसे चलती हैं? ये पता चलती हैं इस रेड डाटा बुक से, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको IUCN मेंटेन करती है। ये जो रेड डाटा बुक है, इसको मेंटेन करती है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इस पूरी बुक के अंदर रिकॉर्ड रखा जाता है उन सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का, मतलब वो एनिमल्स का, वो प्लांट्स का जो कि ख़त्म होने वाले हैं। तो ये रेड डाटा बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है। अब बात करते हैं माइग्रेशन की। देखो, बर्ड्स ठंड के मौसम में, कभी कभी ठंड के मौसम के अंदर गर्म जगहों पर चली जाती हैं। अच्छा, ऐसा बर्ड्स ही नहीं करती, बहुत सारे ऐसे और भी एनिमल्स होते हैं जो करते हैं ऐसा, लेकिन यहाँ पर हम बर्ड्स का एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये जो बर्ड्स हैं ठंड के मौसम में ठंडी जगह से गर्म जगह पर चली जाती हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन। और ऐसी बर्ड्स जो ठंड की वजह से ठंडी जगह से गर्म जगह पर जा रही होती है, उन्हें ही हम लोग बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर करती हैं इवन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, जो भी उनके ओरिजिनल हैबिटेट के अंदर क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं। जैसे मान लो ये बर्ड्स मज़े से इस पहाड़ के ऊपर रह रही थी, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ गई, अब ये बर्ड्स को समझ में आ गया कि हम तो अच्छे से यहाँ पर नहीं रह सकते, तो ये उड़ के एक गर्म जगह पर जा रही हैं। यहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, इनके अंदर डक्स, गीस, फ्लेमिंगोज, क्रेन्स, ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर आती हैं उड़कर। अच्छा, अभी तो आप ये चीज़ नोटिस नहीं कर सकते, लेकिन आप दादा दादी से पूछ रहा, उन्होंने ज़रूर माइग्रेटरी बर्ड्स यानी कि बहुत सारी बर्ड्स को एक साथ ग्रुप में आसमान में उड़ते हुए देखा होगा। तो ये बर्ड्स सिंपली ठंडी जगह से गर्म जगह पर आ जाती हैं रहने के लिए। अब हम पढ़ते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, बिल्कुल, इस पेपर के ऊपर जो हमने सारी चीज़ें लिख दी हैं, ये देखो, इस पेपर को भी दोबारा यूज़ में लाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रिसाइकलिंग। अच्छा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। 1 टन पेपर बनाने के लिए लगभग 17 फुल ग्रोन ट्रीज का यूज़ किया जाता है। 17 फुल ग्रोन ट्रीज, सोचो 17 ट्रीज को ग्रो होने में टाइम कितना लगा होगा? मेरे हिसाब से तो 10 साल से भी ज़्यादा, और उसको सिर्फ और सिर्फ पेपर बनाने के लिए काट लिया जाता है। पेपर को हम लोगों को रिसाइकल करना चाहिए और रीयूज करना चाहिए, जिससे कि हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकें। सोचो, ये ट्रीज़ जो कट हो रहे हैं, ये कहाँ से कट होके आ रहे हैं? फॉरेस्ट के ही तो ट्रीज़ कट करे जा रहे हैं पेपर बनाने के लिए। ईच पेपर, हर एक पेपर को हम लोग 3 to 7 टाइम्स रिसाइकल कर सकते हैं। जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है पेपर का, उससे हम लोग ट्रीज़ को बचा सकते हैं और एनर्जी भी बचा सकते हैं और वाटर को भी बचा सकते हैं, क्योंकि जब हम पेपर को बनाते हैं तो वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। जब भी हम लोग किसी भी पेपर को रिसाइकल करते हैं, तो उससे हार्मफुल केमिकल जो हैं वो क्या हो जाते हैं, हार्मफुल केमिकल जो पेपर बनाने के दौरान रिलीज होते हैं, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं या फिर उनसे भी बच सकते हैं। क्योंकि हमने तो देखो पेपर बनाया ही नहीं सीधे वुड से, हमने तो जो पेपर ऑलरेडी बना हुआ था उसे ही दोबारा यूज़ में ले आए। अच्छा, रिसाइकलिंग कैसे होती है? देखो, जैसे आपने ये पेपर था, इस पे कुछ प्रिंट हो रखा था, ये आपने रिसाइकलिंग बीन के अंदर डाला, रिसाइकलिंग बीन से एक फैक्ट्री के अंदर जाएगा जो कि कुछ प्रोसेसेस के थ्रू इसको दोबारा एक नए पेपर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, पेपर रोल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब बात करते हैं रीफॉरेस्टेशन की। व्हाट इज़ रीफॉरेस्टेशन? हम लोग वापस से रिस्टोर कर दें डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट को बहुत सारे प्लांट्स लगाकर, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन में क्या होता है? प्लांट्स और ट्रीज को कट कर देना। रीफॉरेस्टेशन के अंदर क्या? प्लांट्स और ट्रीज को ग्रो कर देना।
इसकी हेल्प से जो हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा होता है, देखो रिफॉरेस्टेशन की हेल्प से जो हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा होता है उसको भी हम लोग बचा सकते हैं। आखिरकार हम लोग डीफॉरेस्टेशन को कैसे रोक सकते हैं, आप बताइए डीफॉरेस्टेशन क्या था, कट करना ट्रीज़ का, इसको रोक कैसे सकते हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए, क्या गवर्नमेंट कुछ रूल्स लेकर आई या क्या चीज़ लेकर आए, सजेस्ट ज़रूर करिए। यहीं पर हमारा जो ये चैप्टर है ये फिनिश होता है। सब्सक्राइब करिए, उसके साथ में एक ज्वाइन का बटन होगा, उस ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आपको नोट्स, सैम्पल पेपर और शाउटआउट मिलेगा। अच्छा, ये नोट्स जो हैं जिनसे अभी हमने पढ़ाई करी है ये वाले नोट्स मिलेंगे। सैम्पल पेपर क्या होता है? देखो, जो हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा है, इस चैप्टर से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, तो आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप तभी कर सकते हो जब आप सब्सक्राइब करके ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबर बनो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर भी ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मनुष्य ज्ञान लेते रहो।